मध्य प्रदेश के इंदौर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जान से मारने की कोशिश की गई है, तो घर पर आरोपी ने हमला किया है, पेट्रोल डालकर आग लगाई है। हमले में वाइस चांसलर के गार्ड को गंभीर चोट आई है। आरोपी ने पहले बता दे गाली गलौज की, बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। साथ ही मेडिकैप के वाइस चांसलर आरसी मित्तल के घर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। तो वाइस चांसलर आरसी मित्तल के गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राजेश गंगवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पत्नी को कॉलेज से निकालने से आरोपी नाराज था, जिसके बाद आरोपी ने जान से मारने की वाइस चांसलर को कोशिश की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनित विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पुनित, वाइस चांसलर को जान से मारने की कोशिश की गई है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइस चांसलर मेडिकैप यूनिवर्सिटी के आरसी मित्तल के घर पर आग लगाने का प्रयास किया गया है। जो आग लगाने वाला व्यक्ति है वो खुद डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश उनका नाम है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो मेडिकैप यूनिवर्सिटी में काम किया करती थी और कुछ दिन पहले उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। इसी बात से डॉक्टर राजेश नाराज था और उसने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। इसके पहले भी वो यूनिवर्सिटी भी गया था और वहां पर भी उसने इसी तरह की हरकत की थी, जिस पर उसके खिलाफ किशनगंज थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। अब वह सीधे आरसी मित्तल के घर पहुंचा था और पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। उसकी इस हरकत से जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो भी चुलस गया था। उस सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर ही डॉक्टर राजेश के खिलाफ तुकोगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, गिरफ्तार कर भी लिया है। बिल्कुल, पुरित, गार्ड जो की घायल हुआ है उसकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, हल्की सी शर्ट जली थी, ज्यादा गंभीर घायल नहीं हुआ था। शर्ट में आग लगने के बाद उसे मामूली चोटें भी आई थी, जिसका उपचार भी कराया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वो घर पर ही मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और गार्ड भी अभी सुरक्षित है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुनित।